स्मारक में श्रद्धांजलि भी आज दी गई है शहीदों को, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आप विजय दिवस को आज हिमाचल स्टेट वॉर मेमोरियल में जो मनाया गया है उसको आप कवरेज दे रही हैं। जैसे आपको पता है कि ये विजय दिवस 1971 पाकिस्तान युद्ध की विजय को सेलिब्रेट करता है, और जब भी हम ऐसी विजय सेलिब्रेट करते हैं तो हम शुरू करते हैं उन शूरवीरों से जिन्होंने उस विजय में को प्राप्त करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आपने देखा ही होगा उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई और फिर आगे का कार्यक्रम किया। कौन आज जो है इस कार्यक्रम में मुख्य तौर से शामिल है? आज जो चीफ गेस्ट थे वो मेजर जनरल रावत, चीफ ऑफ स्टाफ 9 कोर के, जो कि सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर अभी स्टेशन में हैं, उन्होंने रिंग प्ले किया और वो इस आर्मी के चीफ गेस्ट थे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी है वो आसानी से नहीं मिली है। बहुत लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने वाइफ्स को छोड़ा है और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर इस देश की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी है। जो आने वाली पीढ़ी है वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इनको वही दे सकते हैं कि इनकी यादगार को जागरूक रखें और इन दिवस पर आकर पार्टिसिपेट करें और एक रण लें कि अभी जो कि देश की सुरक्षा का बोझ उनके शोल्डर्स पर आएगा उसको अच्छी तरह से निभाएंगे और उसी तरह से निभाएंगे जैसे कि इन शूरवीरों ने निभाया था।